Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग स्कूल दुनिया में। मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लाइन लेआउट को कैसे रीड आउट करते हैं, किस तरह से इसमें स्पेसिफिकेशंस लिखी होते हैं। फिर हमने जाना कि ग्राउंड बीम ड्रॉइंग को कैसे रीड आउट करते हैं, इस ग्राउंड बीम ड्रॉइंग को। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि एक आर्किटेक्चर प्लान जो मिलता है हमको, ग्राउंड फ्लोर प्लान, इसको कैसे रीड आउट करना होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस डाटा आपको दिए गए होते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यहां पर ओपन हो गए ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस किस तरह की स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं यहां पर। तो आप लोग देखेंगे, सबसे पहले जब भी कोई ड्राइंग आती है, मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया है कि कोई भी ड्राइंग आए, सबसे पहले जो उसमें रिटन डायमेंशंस आपको दी गई हैं उसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद ड्राइंग को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले वॉल थिकनेस स्पेसिफाइड एज पर ड्राइंग की, जितने भी आउटर बीम्स रहेंगे वो आपको 200 mm के प्रोवाइड करने हैं, और जितने भी आपके इनर वॉल रहेंगे वो आपको 100 mm की वॉल प्रोवाइड करनी है। स्लैब लेवल की हाइट यहां पर दिया गया है 3000 mm का आपको स्लैब लेवल यहां पे प्रोवाइड करना है। और दोस्तों, स्लैब लेवल जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो प्लिंथ लेवल से ही हमेशा मेजरमेंट किया जाएगा। तो आगे देखते हैं यहां पे और भी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। सबसे पहले यहां पे ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, सभी डायमेंशंस फिर से इसी ड्राइंग में दी गई हैं मिलीमीटर में। तब तक उसको दूसरे यूनिट नहीं मानना है जब तक वहां पे उस डायमेंशन के पीछे कोई अलग यूनिट ना लिखी हो। इसके बाद अगेन, ड्राइंग शुड बी स्केल्ड एंड रिटन डायमेंशंस आर टू बी फॉलोड। इस ड्राइंग में जो आपको ड्राइंग दी गई है स्केल्ड है और रिटन डायमेंशंस ही आपको फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, कवर्ड पार्किंग एरिया यदि 14,210 mm दिया गया है तो आपको 14,210 mm ही इसको एडॉप्ट करना है। इसके बाद लिखा है, डिस्क्रिपेंसी इफ एनी शैल बी क्लियरिफाइड फॉर द कंसल्टेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। यदि कुछ आपको इशू लगता है किसी भी डायमेंशन से रिलेटेड, तो वर्क को एग्जीक्यूट होने से पहले आप एक बार स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर कंसल्टेंट से मीटिंग कर लें, जिससे वो आपका जो इशू है उसको ओवरकम कर सके। आगे, ऑल डिटेल्स स्पेसिफिकेशन शैल बी एज पर IS कोड ऑफ प्रैक्टिस, कि सभी डायमेंशंस IS कोड ऑफ प्रैक्टिस के आधार पर दी गई है। जैसे कि आपको मैंने वॉल के डायमेंशंस, स्लैब लेवल हाइट के डायमेंशंस बताई, ये सभी डायमेंशंस एज पर IS कोड की स्पेसिफिकेशन के आधार पर लिए गए हैं। इसके अलावा, फॉर अदर डिटेल रेफर स्ट्रक्चर एंड अदर आर्किटेक्चर ड्रॉइंग, की आपको यदि इससे अलग कुछ और ड्राइंग के बारे में जानना है या अदर कुछ वर्क के बारे में जानना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले जो लेक्चर्स लिखा है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो में जरूर जाइए, जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये सेंट्रल लाइन लेआउट के बारे में बताया था कि सेंट्रल लाइन लेआउट में किस तरह से आपको सेंट्रल लाइन लेआउट की मार्किंग करनी है, किस तरह से वहां पे स्पेसिफिकेशन फुटिंग के डाटा दिए गए होते हैं, या ग्राउंड बीम ड्राइंग को किस तरह से यहां पे अडॉप्ट करना है, किस तरह से ये डाटा लिखे हुए हैं। क्योंकि यार, साइट पर जाओगे पहले ही दिन आपको ये ड्राइंग पढ़ना होगा। तो इसी तरह से यहां पर आप लोग देखेंगे कि अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो अदर जो ड्राइंग है उनको हमें रेफरेंस मानना है। इसके अलावा यहां पर है साइज ऑफ डोर्स एंड विंडोज, की डोर और विंडो के कुछ साइजेस दिए गए हैं हमें, वो समझते हैं। यहां पर कुछ अलग अलग टाइप्स के डोर है जिनके नाम हमने स्पेसिफाइड कर दिए कि MD1, D1, D1, D3, D2A, W1 विंडो के नाम से आए हैं, W1, W2, W3 और वेंटिलेशन को V से डिनोट करा है। यदि MD1 रहेगा तो उसका साइज होगा 1.35 × 2.1। फिर से एक बार मात्रा दोस्तों, कौन सी स्किल आपको कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल स्किल्स के बारे में, तो एस्टिमेशन, बिलिंग इंजीनियरिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ये सारा पार्ट आपको मिलेगा टेक्निकल पार्ट में। यदि सॉफ्टवेयर स्किल की बात करूं तो ऑटोकैड, रैबिट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ईटैप्स और आपका रेज्यूमे मेकिंग पार्ट आपको सिखाया जाता है सॉफ्टवेयर पार्ट में। इस कोर्स में जुड़ने के लिए मात्र आपके लिए अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स ऑनलाइन मोड पे। आपको यूज करना है कूपन कोड गुरुजी, ये 60,000 रुपए का कोर्स, इतना भारी कोर्स। अगर मैं ऑटोकैड, रैबिट आर्किटेक्चर की बात करूं तो 7,000 रुपए के सॉफ्टवेयर है, करीबन 14,000 रुपए तो हमारे इसमें खर्च हो जाते हैं, लेकिन इतना सारा पार्ट मिल रहा है आपको गुरुजी की तरफ से मात्र 14,847 रुपए में, 14,847 में, यदि आप यूज करते हैं गुरुजी कूपन कोड। क्योंकि आखिरी मौका आप सभी लोगों के पास, लास्ट डे ऑफर है, और साथ में दोस्तों आप सभी लोग यदि ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो 60% ऑफ मिलेगा यदि आज आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में जुड़ते हैं सिविल गुरुजी के साथ। साथ में दोस्तों, इतना ही नहीं, लास्ट डे की वजह से आप सभी लोगों को स्टैट प्रो, 3DS Max, प्राइमावेरा, DPR और जॉब डिटेक्टिव कोर्स भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में, क्योंकि छूट ना जाए गुरुजी की राय। आप सभी लोगों को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट किए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बचपन से करते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें कुछ पार्ट दिए रहते हैं, वो दिए रहते हैं x, y के कंसर्न में, x, y,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमेशा जो एक्स डायरेक्शन होगा उसको एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगी उसको एक्स में लिखेंगे और जो वर्टिकल डायमेंशन होगी उसको हम वाई एक्सिस में लिखेंगे। तो यहां पर जो 1.35 लिखा है या 2.10 लिखा हुआ है तो मतलब एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा वो 1.35 और जो वाई एक्सिस रहेगी वो हमेशा 2.1 रहेगा। मतलब डोर का जो डोर है ये मैंने कोई डोर बनाया तो उसमें ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल दैट इज कॉल्ड 1.35 और ये जो डिस्टेंस है ये है वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड 2.1, ये आपका 2.1 दिया गया है। तो इस तरह से डायमेंशन दिए रहते हैं हमेशा x, y कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हुए हैं। इसके अलावा यहां पर देखेंगे d का साइज दिया हुआ है 1.075 क्रॉस 2.1, d1 दिया हुआ है 0.9 क्रॉस 2.1, d3 0.975 क्रॉस 2.1, 0.75 क्रॉस 2.1, विंडो के भी साइज हैं 0.9 क्रॉस 1.2। इस तरह से हमें विंडोज और डोर के साइजेस दिए हैं, वेंटिलेशन के साइज दिए हैं। यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन की यहां पर सिंगल लीफ डोर या डबल लीफ डोर, आप लोगों को ये पता रहे होगा कि आप लोग सभी देखते हैं घर में कि एक डोर आता है वो सिंगल लीफ का होता है, एक पल्ले का होता है डोर, और कुछ डोर आते हैं डबल पल्ले के होते हैं उसको बोलते हैं टू लीफ डोर। तो कौन सा डोर आपको प्रोवाइड करना है, डोर के लिए भी ड्राइंग है इस सीरीज में आपको मैं पूरा बताऊंगा क्योंकि इस सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग रीड आउट कर सिखा दिया। इस सीरीज के अंदर मैंने आपको जो है ग्राउंड बीम ड्राइंग के बारे में सिखा दिया। आज मैं सिखा रहा हूं थर्ड इसका पार्ट जो कि है ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसी तरह से आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जितनी भी हमें ड्राइंग्स मिलती है किसी भी प्रोजेक्ट में वो सारा आपको इस सीरीज में मिलता रहेगा और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए हैं। ये सारे ड्राइंग्स अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में जिसका आज लास्ट डे चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स का, उसमें आपको कंप्लीटली इनको सॉल्व आउट करना सिखाया गया किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। और साथ में इस कोर्स में जुड़ने के लिए लाइफ टाइम सिविल गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में जुड़ने के लिए आज का है लास्ट डे, साथ में कुछ एडिशनल गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे किस तरह के एडिशनल गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं इस कोर्स में जुड़ने के लिए आज। इसके अलावा यहां पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ डिटेल्स लिखी गई है, आप लोग देखेंगे कि इस ड्राइंग के अंदर यहां पर बेडरूम दिया गया है एक, यहां पर WC बाथरूम हॉल किचन दिए गए हैं, सेम एज इट इज मिरर है, यहां पर यही सेम पोर्शन एज इट इज मिरर है। आप लोग देखेंगे यहां पर एक रैंप है, रैंप का जो डायमेंशन दिया है 14,610 यहां से बाहर से और यहां पर आपको 4,000 दिया हुआ है, मतलब ये इसका रैंप का डायमेंशन है और रैंप आपका 900 mm हाइट तक जाएगा, मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है फॉर्मेशन लेवल से आपका ये जो आपका प्लिंथ लेवल आपने जो अचीव किया है वो 900 mm अचीव किया है, तो वहां तक का डिस्टेंस आपको यहां पर 4,000 mm तक विड्थ लेके जाएगा और हाइट आपकी 900 mm यहां पर कंटिन्यू करनी है आपको। इसके अलावा कवर्ड पार्किंग एरिया जो एरिया निकल के आ रहा है, देखिए जो इसमें डायमेंशन दी गई है यहां पर इस ड्रॉइंग के अंदर वो आपको दी गई है वॉल टू वॉल, जैसे लास्ट ड्रॉइंग में मैंने आपको बताया था क्लियर स्पान के बारे में कि कॉलम के इनर फेस से दूसरे कॉलम के इनर फेस तक के डिस्टेंस को हम क्लियर स्पान बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ड्राइंग है इस ड्राइंग में जितने भी डिस्टेंसेस हमें दिए गए हैं एक बार मैं मार्क करके दिखाता हूं आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको 1410 दिया गया है, ये तो 1410 कैसे देखेंगे, फिर से वही x और y, ये है x ये है y, ये वाला x है और ये हमारा y है, तो यहां पर इस बॉल के इनर फेस से इस बॉल के इनर फेस तक का डिस्टेंस है 14,210 और यहां पर इस बॉल के ये वाली बॉल से यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4525। साथ में दोस्तों आप लोग देखेंगे यहां पर 14,210 लिखा है लेकिन यहां पर 14,610 हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें बॉल की जो थिकनेस है ये बॉल की थिकनेस कितनी है 200 mm की बॉल की थिकनेस है यहां पर और यहां पर 200 mm की बॉल की थिकनेस 200 और 200 400 और 14,210 में 400 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14,610। इस तरह से यहां पर डायमेंशन दी गई थी। इस ड्रॉइंग में पढ़ना हम सीख रहे हैं कि किस तरह से डायमेंशन दी जाती है, इसी ड्रॉइंग से हम निकालते हैं पूरा डिटेल में एस्टिमेशन। जब भी एस्टिमेशन आप निकालें, जैसे कि मैंने लास्ट ड्रॉइंग में आपको एस्टिमेशन के बारे में बताया था कि हम ग्राउंड बीम GV1 GV2 फॉर्मेट्स में लिख के आते हैं, सिम यहां पर भी हमें एक्सेल फॉर्मेट लगाना पड़ता है, यहां से डाटा बहुत सारा एक्सट्रैक्ट होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। यहां पर आप लोगों के पास ड्रॉइंग जो अवेलेबल है वो दो पार्ट में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको ये कुछ मोटी वाली वॉल दिखी है जिसको इसने स्पेसिफाइड कर दिया ड्रॉइंग ने आउटर वॉल 200 mm और यहां पर कुछ पतली वाली वॉल दिखाई दे रही है जिसकी थिकनेस थोड़ा कम है वो है आपके 100 mm की वॉल, तो जिसकी थिकनेस कम है वो है आपके 100 mm वॉल और जिसकी थिकनेस ज्यादा है वो आपके 200 mm वॉल है, तो इसके आधार पर हम डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा एक्सट्रैक्ट करते टाइम हम ध्यान देंगे अपने प्रीवियस ड्रॉइंग का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रीवियस ड्रॉइंग में गए, यहां से मैं आपको प्रीवियस ड्रॉइंग में लेके चलता हूं, तो ये ग्राउंड बीम वाली ड्रॉइंग ओपन हो गई है, ध्यान से देखें ग्राउंड बीम वाली ड्रॉइंग में आप लोग ये जो एज इट इज हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी के जस्ट ऊपर हमें वॉल कास्टिंग करनी है।
अब देखिए यहां तो सबकी थिकनेस बराबर है, लेकिन जब नेक्स्ट ड्राइंग में गया तो थिकनेस सबकी अलग अलग हो गई है। कुछ बॉल ऐसी हैं जिसकी थिकनेस ज्यादा है, वो 200 mm स्पेसिफाइड है, कुछ थिकनेस ऐसी हैं जो कम है जिनकी स्पेसिफिकेशन है 100 mm की, लेकिन यहां पर सभी की थिकनेस हमें गिवन थी, यहां पर आप लोग देखेंगे 250 mm हमें गिवन थी, इसलिए सभी हमें एक जैसा दिख रहा है, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ड्राइंग में अलग हो गया ये। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन दो मार्किंग आपने की है उन्हीं मार्किंग के ऊपर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम नोटिस करते हैं यहां पर GV3 और GV4 को ध्यान से देखिए, ये GV3 है, ये GV3 और ये GV4 है। अब यहां पे मैं वापस चलता हूं अपने प्रीवियस जो ग्राउंड फ्लोर प्लान ड्राइंग है, ग्राउंड फ्लोर प्लान ड्राइंग में जैसे मैं एंटर किया तो यहां पर देखिए ये GV3 था जिसपे 200 mm वॉल स्पेसिफिकेशन है, ये GV3 अगेन, लेकिन यहां पर इस बार आप देखेंगे जो बॉल की थिकनेस है वो कम है, तो कौन सा होगा, ये GV3 पे 100 mm की बॉल है। तो GV3 ऐसे भी हैं जिन पर 200 mm की बॉल की स्पेसिफिकेशन है, और GV3 ऐसे भी हैं जिन पर 100 mm की बॉल की स्पेसिफिकेशन है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये GV4 था तो यहां पर क्या हो जाएगा 200 mm की बॉल स्पेसिफिकेशन है। तो ड्रॉइंग से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है एक एक पार्ट का। आप इसके लिए जो हमारे पास जो ग्राउंड बीम प्लान दिया गया है और आपका जो है ग्राउंड फ्लोर प्लान है, दोनों को हमें मैच करके देखना होता है। यही कमी होती है हमें जब एस्टिमेशन हम सॉल्व आउट करते हैं तो एक यही दिक्कत हो जाती है कि हम इसी प्लान को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेकिन जो प्रीवियस प्लान है वहां पर भी हमें रेफरेंसेस डाटा दिए गए हैं जो हमें उठाकर एक्सट्रैक्ट करने होते हैं हमेशा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में जाकर डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना मैं आपको सिखाता हूं यहां पर, तो आइए चलते हैं एक्सेल पर। तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया एक्सेल के फॉर्मेट को, और लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये होता है मेजरमेंट बुक का फॉर्म नंबर 23 जिसमें सीएल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल यूनिट्स, रिमार्क लिखा होता है। अब यहां पर हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो कुछ थोड़ा सा और फॉर्मेट मैंने यहां पर बनाया है, अभी हम डाटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्राइंग से करेंगे और आप लोग सीख पाएंगे कि डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वापस चलते हैं ड्राइंग पर, और ड्राइंग में जाकर हम लोग देखेंगे यहां पर आपको दो ड्राइंग चाहिए। पहले तो कौन कौन सी ड्राइंग, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ग्राउंड बीम ड्राइंग भी चाहिए और ग्राउंड फ्लोर प्लान भी चाहिए। अब देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट मैंने आपको भी बताया, क्लियर कर दिया है कि यहां पर जितने भी आपको ये थोड़े थिकनेस ज्यादा दिख रहा है, मतलब मोटी थिकनेस के दिख रहे हैं, ये 200 mm है, और जो पतला वाले वॉल दिख रहे हैं 100 mm की वॉल है। तो अब आपको करना क्या है, यहां से आप मार्किंग करें। पहले देखिए GV1 कितने, 1 2, ये 2 GV1 है, और यहां पर देखेंगे तो 3 4, ये 4 GV1 आपको बीम के स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। अब ये GV1 है यहाँ पे 4 आपके, तो ये आपके ग्राउंड फ्लोर प्लान में भी होंगे। तो मैं गया ग्राउंड फ्लोर प्लान में, और ग्राउंड फ्लोर प्लान में आप लोग देखें यहाँ पे G1 है कहां पर, एक तो यहां पर है G1, एक ये भी GV1 है, और एक G1 यहां पर है, एक G1 यहां पर है। इनकी जो थिकनेस है वो कितना होगा, बिल्कुल 200 mm की थिकनेस के दिख रहे हैं, मोटी वाली थिकनेस है ये। तो G1 यहां पर भी आपके जो ग्राउंड बीम जो G1 स्पेसिफिकेशन के दिए थे वो भी 4 दिए थे, और जो G1 जो आपके स्पेसिफिकेशन में दिए गए हैं वो भी 4 ही दिए हैं वॉल में। यहां पर क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है बीम तो दिया है लेकिन आपको हो सकता है वहां पर वॉल नहीं दिया हो, तो आपको यही चीज चेक करनी है कि कहां पर वॉल प्रोवाइड नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बीम तो होगा लेकिन वॉल नहीं है, तो ये हमें चेक करना है पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कि वहां पर बॉल की जो थिकनेस है वो 200 mm है या 100 mm है, दूसरा टारगेट। तीसरा टारगेट कि वहां पर डिडक्शन कितना करना है, जैसा कि यहां पर आप देखें W3 वॉल विंडो आ रही है, W3 नाम से स्पेसिफिकेशन, W3 विंडो का साइज यहां पर गिवन है हमें 1.5 × 1.2, तो इतने वाले पार्ट में क्या ब्रिकवर्क प्रोवाइड करेंगे, जहां पर विंडो आएगा क्या वहां पर विंडो वाले पोर्शन में हम ब्रिकवर्क प्रोवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, तो हमें डिडक्शन भी करना होगा। ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है हमें ड्रॉइंग से। चलते हैं आपके आपके एक्सेल शीट में, और एक्सेल शीट में जाकर इन डाटा को फिलअप करते हैं। तो यहां पर पहुंचे हम, यहां पर पहले से मैंने G1 लिख दिया था, तो मैं यहां पर नंबर ऑफ में लिखूंगा यहां पे 4, तो मैंने यहां पे नंबर में लिखा 4, यहां पे नंबर में लिख दिया 4। जो जीवी का अपना लेंथ है, जीवन का लेंथ है वो कितना है, आकर फिर से देख लेते हैं। तो जीवन का लेंथ हमें कहां से मिलेगा, हमारे ग्राउंड बीम की ड्राइंग से, कितना है 2.875। तो मैं यहां पर भी देखिए 2.875 कॉलम के इनर पॉइंट से इनर पॉइंट तक, और यहां पर जाएंगे इस ड्राइंग में, तो इस ड्राइंग में वॉल के इनर पॉइंट से इनर पॉइंट है या नहीं, देखिए यहां पर ये कॉलम है, ये कॉलम पॉइंट है, कॉलम के इनर से इनर, तो सेम डिस्टेंस होगा। तो 2.875 हमें यहां से जाकर हमने कहां पे लिखेंगे, अब अपने एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में मैंने लिखा यहां पर 2.875। अब गए हम डोर में और चेक किए नंबर ऑफ डोर कितने हैं, लेकिन आपने अभी ड्राइंग में देखा था कि W3 नाम से केवल यहां पर आपको दिए गए हैं, आप यहां पर पहुंचे और आपने देखा W3 नाम से केवल विंडो है, डोर कोई नहीं है। तो डोर में हम कुछ नहीं लिखेंगे, जाएंगे अपने विंडो वाले पोर्शन पे और विंडो जाके लिख देंगे यहां पर कितने हैं अपने 4 विंडो, क्योंकि एक में दिए हैं आपको कितने, एक में दिए हैं आपको एक विंडो W3, तो 4 में आपके यहां पर 4 हो जाएंगे। तो आपको लिखना W3 = 4, वेंटिलेशन कुछ नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ना है। अब इसी तरह से हम GV2 के लिए चेक करते हैं, यहां पर गए हम और यहां पर जाए और यहां पर जाकर देखा GV2 1 2 3
चार पांच छह इधर है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, बारह यहां पे हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, बारह है। अब गए हम कहां पे अपने ग्राउंडिंग की ड्राइंग में, क्या यहां पर वॉल आई, ये चीज चेक करना हमें। तो आप लोग चेक करेंगे यहां पर वॉल आई है नहीं आई है यहां पर, तो देखिए यहां पर वॉल आई है जीबी टू पे, बिल्कुल आई है, यहां पर वॉल आई है बिल्कुल आई है, यहां पर वॉल, क्या यहां पर वॉल आई, नहीं आई तो नहीं लिखेंगे हम, तो यहां पर वन टू थ्री, लेकिन यहां पर देखा तो यहां पर वॉल पतली हो गई है, मतलब 100 mm की वॉल हो गई है, यहां पर 200 mm की वॉल हो गई है, सेम एज इट इज यहां पर भी हुआ। तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ, क्योंकि 12 बीम है तो वॉल कितने हैं, अब देखते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉल तो है 8, चार वॉल, चार बीम के ऊपर वॉल ही नहीं बना, चार बीम तो प्रोवाइड किए लेकिन वहां पे वॉल प्रोवाइड नहीं किया, यदि वॉल प्रोवाइड करते तो हॉल छोटा हो जाता हमारा, लेकिन बीम की कंडीशन क्यों थी, क्योंकि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने हमें वहां पे बीम दिया, लेकिन जब आर्किटेक्चर के पास पहुंचे तो हमें बीम प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि वहां पे उसे हॉल बड़ा दिखाना था, क्योंकि हॉल हम बड़े बनाते हैं एज कंपेयर टू बेडरूम हमारे, तो यहां पर वॉल जो है केवल यहां पर 8 ही प्रोवाइड है, लेकिन 8 में भी कंडीशन है कि 1 2 3 और यहां पे 4, केवल 4 वॉल है ऐसे हैं जो 200 एमएम की वॉल की स्पेसिफिकेशन रखते हैं, और 1 2 3 और 4 वॉल हमारे 100 mm की वॉल की स्पेसिफिकेशन रख रहे हैं। तो हम जाएंगे यहां पे अपने एक्सेल फॉर्मेट्स में, तो यहां से चलते हैं एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, और यहां पर जो डाटा दिया गया है, तो डाटा हम यहां पर जो लिख रहे हैं इस कैपिटल लेटर से जो हम डिनोट कर रहे हैं 200 mm वॉल के लिए, और जो स्मॉल में प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम 100 mm वाली वॉल को स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहां पर मैं पहुंचा जीबी टू में, और मैंने यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ जो वॉल है हमारे वो कितने यहां पे 4, तो 4 लिखा यहां पे, लेकिन अगर साइजेस की बात करता हूं तो साइजेस के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्राउंड बीम लेआउट प्लान में, तो मैं ग्राउंड बीम लेआउट प्लान में गया था 2.625 जो हमारी लेंथ दी गई है क्लियर स्पान, तो मैंने यहां पर जाकर लिख दिया 2.625। अब इसके बाद बात करूं यहां पर, ये तो मैंने लिख दिया सेम एज इट इज, हम जाएंगे जीबी वन, यहां पर देखो किसी भी तरह का 100 mm वॉल प्रोवाइड नहीं किया था इसलिए मैंने किसी भी तरह का एंट्री नहीं किया, लेकिन यहां पर 100 mm की वॉल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ बीम है, नंबर ऑफ वॉल बीम के ऊपर यहां पे 4 वॉल ऐसे प्रोवाइड है जो 100 mm वॉल स्पेसिफिकेशन रख रहे हैं, जिनका लेंथ भी सेम रहेगा 2.625। अब बात करेंगे यहां पर कितने तरह के ऐसे पार्ट है जिनका हमें डिडक्शन अपने कोड करना है अपने एक्सेल फॉर्मेट पे, तो गए हम कहां पे अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान में, ग्राउंड फ्लोर प्लान में जाने के बाद हमने देखा यहां पर कि जो हमारे पास जो 200 mm वॉल की स्पेसिफिकेशन रख रहे हैं वहां पर वेंटिलेशन अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे बाथरूम और डब्ल्यूसी फॉर्मेट आ रहा है हमारे पास प्लान में से, तो हमारे पास वेंटिलेशन 1 2 3 4 एक तरफ है और 4 इस तरफ से, तो 8 ऐसे हैं जो 200 mm की वॉल पे डिडक्शन करना है वेंटिलेशन का, क्योंकि डिडक्शन अभी भी मैंने बताया कि जहां पर ये ओपनिंग पार्ट आ रहे हैं, ओपनिंग पार्ट इज लाइक अ डोर विंडो वेंटिलेशन, वहां पे किसी भी तरह का ब्रिकवर्क तो हमें करना नहीं है, तो ब्रिकवर्क नहीं करना तो वहां पे हमें डिडक्शन भी करना रहेगा, क्योंकि हम पूरा स्पेसिफाई करेंगे, मतलब पूरा वॉल प्रोवाइड करेंगे उसमें से काटेंगे अपने एस्टिमेशन के टाइम पर, इसलिए हम यहां पर डिनोट करा रहे हैं अपने एक्सेल फॉर्मेट में कि यहां पर वेंटिलेशन आ रहा है, तो मैं यहां पर जाकर लिख देता हूं कि वेंटिलेशन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 ऐसी जगह हैं जहां पर वेंटिलेशन आ रहे हैं हमारे पास, तो मैं यहां पे डिनोट करता हूं, तो 8 हो जाएंगे क्योंकि एक तरफ 4 है और 4 एक तरफ, तो 8 यहां पे हो गए। अब चलते हैं वापस, अब देखते हैं 100 mm की वॉल में क्या आ रहा है, तो 100 mm की वॉल जब आप देख रहे हैं इधर, तो 100 mm की वॉल में D2A1 और 1 2 दो ऐसे हैं डोर जो D2A स्पेसिफिकेशन रखते हैं और D2A डोर आ रहे हैं, तो 1 2 2 इधर नीचे 5 6 7 8 D2A यहां पे हमारे कंसीडर हुए, तो 8 D2A हम यहां पे एंटर करेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा D2A इक्वल्स टू 8, ये D2A 8 लिख दिया मैंने, लेकिन किसी भी तरह का विंडो वेंटिलेशन इफेक्ट नहीं कर रहा मेरी वॉल को, तो मैं यहां पे कंसीडर नहीं करूंगा। सेम इसी फॉर्मेट को अब यहां से हम उठाकर लेके जाएंगे अपने, इसी फॉर्मेट को हम आगे करेंगे कंप्लीट, और कैसे करेंगे कंप्लीट, सेम यही फॉर्मेट जो आपको ग्राउंड बीम ड्राइंग दी गई है, क्योंकि इसमें जीबी 21 तक आगे लिखा है, जैसे मैं आपको जीबी 1 जीबी 2 कंप्लीट कराया, सेम इसी तरह से हमको जीबी 21 तक कंप्लीट करना। चलिए जीबी 3 भी देख लेते हैं हम, तो जीबी 3 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इधर दिए गए हैं, सेम 5 6 7 8 8 जीबी 3 दिए गए हैं, तो यहां पर हम पहुंचे ग्राउंड फ्लोर प्लान में, और ग्राउंड फ्लोर प्लान में जाने के बाद हमने देखा कि यहां पर ये जीबी 3 है, ये भी जीबी 3 है, ये भी जीबी 3 है, ये भी जीबी 3 है, सेम यहां पर भी जीबी 3 जीबी 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने ऐसे जीबी 3 है जो 200 mm वॉल के स्पेसिफिकेशन रखते हैं, और कितने ऐसे जीबी 3 है जो आपके 100 mm वॉल की स्पेसिफिकेशन रखते हैं। ध्यान से देखिए ये जीबी 3 कैसे ले पा रहा हूं मैं इसको जीबी 3, क्योंकि मैं प्रीवियस ड्राइंग में पहुंचा और प्रीवियस ड्राइंग में मैंने यहां से देख लिया था जीबी 3 है कौन से, उसी के ऊपर ही यहां पर क्या हो रहा है वॉल कंसीडर हो रही है, यहां पर वॉल भी इसी के ऊपर कंसीडर हो रही है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कि जीबी 3
नंबर ऑफ वॉल ऐसे कितने हैं जो 200 mm वॉल की स्पेसिफिकेशन रखते हैं और कितने ऐसे GV3 हैं जो हमारे 100 mm वॉल की स्पेसिफिकेशन रखते हैं इधर। तो दोस्तों यहां पर हमने समझा कि GV3 के बारे में अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं आपको GV3 जब हम देखेंगे तो अगर W1 की बात करें तो 200 mm की वॉल में W1 और यहां भी W1 कंसीडर होगा सेम एज इट इज W1 और W1, लेकिन जब बात करें D1 और D1 ये कंप्लीट हो रहा है हमारे GV3 के 100 mm वॉल की स्पेसिफिकेशंस में। अब क्या करना होता है हमको कि जो डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है ड्राइंग से, मैंने यहां पर डाटा एक्सट्रैक्ट करा ड्राइंग से केवल दो बीम का दिखाया आपको करके, सेम इसी तरह से GV21 तक कंप्लीट करेंगे हम, और इस डाटा को हम लेकर जाते हैं अपने एस्टिमेशन फॉर्मेट में और यहां पर क्या करेंगे इसको इनपुट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सीरियल नंबर मैंने इनपुट किया, डिस्क्रिप्शन में डालता हूं यहां पे मैं कि डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा मैंने यहां पे कि मुझे वन लाइन ब्रिकवर्क करना है सुपर स्ट्रक्चर के लिए, तो मैंने ये लिख दिया यहां पे वन लाइन ब्रिकवर्क। तो दोस्तों मैंने लिखा वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर। अब ये जो वन लाइन ब्रिकवर्क प्रोवाइड करने जाएगा पूरे ही स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करेंगे, पूरे ही स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करेंगे, तो GV1 से लेकर GV21 तक जितने भी वॉल्स आ रहे हैं सभी पर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर से वही बात कि हम यहां पर ये 200 mm और 100 mm क्यों स्पेसिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्पेसिफाइड करने का रीजन है कि 200 mm वॉल जितनी भी रहेंगी उसको हम काउंट करते हैं किसमें, क्यूबिक मीटर में, और जितने भी हाफ ब्रिक वॉल होते हैं पार्टीशन वॉल होते हैं एज पर सेंट्रल पब्लिक बटन नॉर्म, जितने भी 100 mm की वॉल मॉडुलर ब्रिक या 115 नॉन मॉडुलर ब्रिक जो होते हैं उसको काउंट करते हैं हम किसमें, स्क्वायर मीटर में। इसलिए हमने अलग अलग यहां पर कंसिडर कर रहे हैं डाटा ड्रॉइंग से एक्सट्रैक्ट करते टाइम। तो यहां पर मैं लिखता हूं A पॉइंट हमने लिखा और यहां पर लिख दिया फॉर 200 mm वॉल, 200 mm वॉल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यहां पर ये नीचे वाला डाटा लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ये 100 mm वॉल के में फॉलो होगा, केवल ये 200 mm वॉल को हम डाटा लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा GV1 सबसे पहले GV1, फिर अगेन GV2, अगेन GV3, अगेन GV4, जितने भी नंबर ऑफ बीम आगे दिए गए हैं वो आप यहां पे कंसीडर करेंगे। नंबर में डाटा कहां से आएगा आप देखिए, बार बार ड्राइंग नहीं देखना पड़ रहा, ड्राइंग से एक बार डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहां पर एक बार टेबल एक्सट्रैक्ट हो गया, मेहनत लगी उसमें, लेकिन अब यहां से डाटा आ जाएगा हमारे मेन शीट के अंदर। तो यहां पर नंबर ऑफ बीम कितने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वॉल कितने दिए हुए हमें 4, सेम यहां भी हमें 4 दिए हुए हैं। लेंथ की बात करूं तो लेंथ यहां से आ गया 2.875 और यहां पर आ गया हमारा 2.625, ये हमारे पास लेंथ आ गया। अगर विड्थ की बात करूं तो 200 mm पहले से स्पेसिफाइड किया था आपको, तो यहां पे लिख दिया हमने 0.2 और यहां पे लिख दिया हमने 0.2। अब इसके बाद वन लाइन ब्रिकवर्क, एक लाइन का ब्रिकवर्क है उसकी हाइट कितनी होगी, एक ईटा दे रहा है तो एक ईटे की हाइट होती है 4 इंच, दैट इज 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर इक्वल्स टू यहां पे प्रेस किया नंबर ऑफ आइटम, फिर इसके बाद हमने मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय हाइट किया और एंटर कर दिया, तो आंसर आया 0.23 सेम एज इट इज, हमने यहां पर इसका सेम फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करना है, इक्वल्स टू फिर प्रेस करना है आपको यहां पे नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट और एंटर कर दिया, आंसर आया 0.21। तो इस तरह से हम पूरा एक्सेल के फॉर्मेट को इनपुट करेंगे और 100 mm वाली वॉल में ध्यान देंगे, विड्थ हमें काउंट नहीं करनी है क्योंकि वो स्क्वायर मीटर में, मीटर मीटर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है किसमें, स्क्वायर मीटर में। तो ये हमें कंप्लीट हुआ आज के वीडियो जिसमें हमने जाना ग्राउंड फ्लोर प्लान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम स्लैब बीम किट बारे में, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तब तक ले बने रहिए सिविल गुजरात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।